नमस्ते, खुश रहो बेटिया। माई सेल्फ डॉक्टर धर्मपाल सिंह ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर वैष्णवसारी, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। आज के एनाटॉमी क्लास में हम पढ़ेंगे वॉल्स ऑफ हार्ट। इंट्रोडक्शन देखते हैं। वॉल्व इज मेंटेन यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड। ब्लड के फ्लो को यूनिडायरेक्शनल रखता है। यूनिडायरेक्शन मतलब कि एक ही डायरेक्शन में रखता है। दूसरा क्या करता है, यह प्रिवेंट इट्स रिगर्जिटेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकता है। रिगर्जिटेशन का मतलब होता है बैड फ्लो ऑफ ब्लड, उसे अपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकता है। यह दो पेयर में होता है। पहला पेयर होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व और दूसरा पेयर होता है सेमिलुनर वॉल्व। अब बात करते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व की। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व फिर दो प्रकार का होता है, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व को हम ट्राइकस्पिड भी कहते हैं। ट्राइकस्पिड का नाम इसी कारण पढ़ा है इसमें, क्योंकि इसमें तीन कस्प होते हैं। सेकेंड है लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व को बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, ऐसे मेट्रल वॉल्व भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो कस्प होते हैं। इसी कारण इसे बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। मेट्रल वॉल्व भी इसी कारण कहते हैं क्योंकि इस मेट्रल का अर्थ होता है बिशॉप्स कैप, जो पादरी होते हैं उनके, जो उन्हें क्या बोला जाता है, बिशॉप कहते हैं। तो उनके जो कैप होते हैं उन्हीं के आकार का होता है, इसी कारण ये मेट्रल नाम दिया गया है। दूसरा प्रकार होता है सेमिलुनर वॉल्व। सेमिलुनर वॉल्व फिर से दो प्रकार के होते हैं, ऑर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व। ऑर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व दोनों के जो कस्प होते हैं वो सेमिलुनर शेप के होते हैं, इसी कारण इसे सेमिलुनर वॉल्व कहा जाता है। ये जो कस्प होते हैं ये एंडोकार्डियम के फोल्ड होते हैं, जो कि फाइब्रस टिश्यू से बने होते हैं। क्लियर है इंट्रोडक्शन। इमेज में देखते हैं कि किस प्रकार वॉल्व का निर्माण होता है। यह है राइट एट्रियम और ये वाला भाग हो गया राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ये पोर्शन दिखता है, ये वाइटिशियो पोर्शन, ये क्या बनाता है, वॉल्व का निर्माण करता है। इस वॉल्व से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ही ब्लड आता है, इस प्रकार क्रॉस करके आता है। तो ये क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल, मतलब कि अपर साइड से लोअर साइड एक ही डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो कराता है। कौन कराता है, वॉल्व कराता है। दूसरा क्या होता है, प्रिवेंट रिगर्जिटेशन टू अपोजिट साइड। अपोजिट साइड में रिगर्जिटेशन से प्रिवेंट करता है। रिगर्जिटेशन जैसे मतलब इसे आना चाहिए राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, लेकिन अब राइट वेंट्रिकल में कभी कॉन्स्ट्रक्ट होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ से जो ब्लड है वो पल्मोनरी ट्रंक में जाता है, लेकिन यदि वॉल्व नहीं हुआ तो ये ब्लड क्या होगा, अपर साइड भी जा सकता है, तो इसी चीज को प्रिवेंट करता है। तो ये दो हो गए, एक राइट के हो गया, राइट वाले को क्या क्या कहा गया है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट और लेफ्ट वाले को कहा गया है बाइकस्पिड या मेट्रल वॉल्व। अब नेक्स्ट देखते हैं सेमिलुनर वॉल्व। सेमिलुनर वॉल्व को दो प्रकार बोले गए हैं, पल्मोनरी और आर्टिक। ये देखो पल्मोनरी, ये क्या है, सेमिलुनर शेप में, ठीक है, और यहाँ ये आर्टिक, ये हो गया आर्टिक वॉल्व और ये हो गया पल्मोनरी वॉल्व। ये पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी ट्रंक से जो जाएगा उसे पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं, और ये आर्टा है, आर्टा से जो आर्टा में जो वॉल्व होता है उसे आर्टिक वॉल्व कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इमेज में, ये हार्ट का डायग्राम, सॉरी ये रियल हार्ट है,
इसमें वाल्व कैसे बना होता है ये देखते हैं। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं ये राइट एट्रियम हो गया और ये राइट वेंट्रिकल का पार्ट है। तो इन दोनों के बीच में देखो ये एक ओपनिंग मिलता है, यहाँ ये ओपनिंग राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है, या फिर इसी को क्या कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। उसी प्रकार ये लेफ्ट एट्रियम हो गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकल में देखो यहाँ एक ओपनिंग मिलती है, ये होता है लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। अब अपर साइड से देखते हैं तो वॉल्व किस प्रकार बने होते हैं ये देखते हैं, है ना। तो वो वॉल्व देखिए, ये एक इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कस्प कहते हैं। कस्प क्या होता है, वॉल्व को कवर करके रखे होते हैं। वॉल्व को कवर करने के कारण क्या होता है, ये बंद कंडीशन में है। और जब ये देखिए ये अभी क्या है, बंद कंडीशन में है। जब इसमें ब्लड आएगा तो ये क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें पहला देखते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, या फिर इसे क्या कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड में देखो इसमें तीन कस्प दिखेंगे, ये कस्प होता है पहला कस्प हो गया, ये हो गया दूसरा कस्प हो गया, और ये हो गया तीसरा कस्प। अपर साइड से ब्लड आएगा और इस कस्प को ओपन करते हुए राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, ठीक है। उसी प्रकार देखो लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जिसे क्या कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व भी कहा जाता है। बाइकस्पिड वॉल्व में दो कस्प होते हैं केवल, देखो एक राइट साइड में भी एक कस्प दिख रहा है और एक लेफ्ट साइड में एक कस्प दिख रहा है। इसी प्रकार इसमें दो कस्प होते हैं। तीसरा होता है पल्मोनरी वॉल्व, ये देखो ये पल्मोनरी है, पल्मोनरी वॉल्व। देखिए इसमें इसमें जो इनका शेप है मून सेमी लूनर वॉल्व, इसी कारण इसे सेमी लूनर वॉल्व कहते हैं, सेमी लूनर अर्धचंद्राकार जैसे, इसी कारण इसे सेमी लूनर। दोनों सेम होते हैं आर्टिक और पल्मोनरी, दोनों में डिफरेंस नहीं होता, दोनों में तीन कस्प होते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस होता है बाइकस्पिड में और ट्राइकस्पिड में। अब देखते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होता है। दो प्रकार से होता है, राइट होता है, राइट में होता है और लेफ्ट में होता है। इसमें देखते हैं इसके फॉलोइंग कंपोनेंट्स किससे किससे बना होता है। एक फाइब्रस रिंग होता है, कस्प होता है, कॉर्डा टेंडन होता है और पेपिलरी मसल्स होता है। फाइब्रस रिंग क्या होता है, फाइब्रस रिंग से कस्प क्या होता है अटैच होते हैं। वॉल्व के चारों जो ओपनिंग है उसके चारों ओर से फाइब्रस रिंग अटैच होते हैं, इसे फाइब्रस रिंग में कस्प अटैच होते हैं। द कस्प, कस्प क्या होता है फ्लैट और प्रोजेक्टिंग पार्ट होता है, यह हमेशा वेंट्रिकुलर कैविटी की ओर ही ओपन होता है, क्योंकि एट्रियम से जाएगा वेंट्रिकल में जाएगा, तो एट्रियम से जब वेंट्रिकल में पास होगा तो इसका जो ओपनिंग साइड होगा वेंट्रिकुलर कैविटी में होगा। इस कस्प हैज टू मार्जिन एंड टू सरफेस, दो मार्जिन होता है, एक अटैच मार्जिन होता है और दूसरा फ्री मार्जिन होता है। दो सरफेस होता है, एट्रियल सरफेस होता है और वेंट्रिकुलर सरफेस। एट्रियम के साइड जो होगा उसे एट्रियल सरफेस, वेंट्रिकुलर के साइड जो होगा उसे वेंट्रिकुलर सरफेस कहते हैं। एट्रियल सरफेस हमेशा स्मूथ होता है, फ्री मार्जिन और वेंट्रिकुलर सरफेस हमेशा इरेगुलर होगा और रफ होगा, क्योंकि इसमें कॉर्डा टेंडनी अटैचमेंट होता है। द वॉल्व आर क्लोज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होगा या वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तो वॉल्व क्या होता है क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट है कॉर्डा टेंडन। कॉर्डा टेंडन क्या करता है, कनेक्ट द फ्री मार्जिन एंड वेंट्रिकुलर सरफेस ऑफ द कस्प टू द एपिसेस ऑफ द पेपिलरी मसल्स।
जो पेपिल लास्ट क्लास में हमने देखा था कि राइट वेंट्रिकल में पेपिलरी मसल्स कैसे स्थित होते हैं। तो पेपिलरी मसल्स से जो अटैच फ्री मार्जिन होते हैं कस्प के फ्री मार्जिन को पेपिलरी मसल्स कनेक्ट करता है, एक तार नुमा स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे कॉर्डा टेंडन कहते हैं। यह कस्प के जो फ्री मार्जिन है उनका इवर्सन होने से रोकता है, मतलब कि उसे अपोजिट साइड जाने से रोकता है। पेपिलरी मसल्स क्या होते हैं, नेक्स्ट है पेपिलरी मसल्स कॉर्डा टेंडन को हमेशा बांध के रखते हैं, अपने साइड खींच के रखते हैं, और ये क्या होता है पुल्स कॉर्डा टेंडन ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय हमेशा कॉर्डा टेंडन को ये पुल करके रखे होते हैं। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं केवल फाइब्रस रिंग में और बेसल 1/3 ऑफ द कस्प में, ठीक है। सेंट्रल 2/3 ऑफ द कस्प डायरेक्ट न्यूट्रिशन पाता है ब्लड, जो कैविटी में जो ब्लड होते हैं उन्हीं से डायरेक्ट न्यूट्रिशन पाता है। इमेज में क्लियर देखते हैं कैसा होता है, देखिए ये है कस्प ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल, इस प्रकार कस्प है। दूसरा होता है पेपिलरी मसल्स, ये देखिए पेपिलरी मसल्स, ये क्या हो गया, ये पूरा जो अटैच है ये हो गया कस्प हो गया ये। अब देखो ये कस्प का ये क्या है, फ्री मार्जिन है, फ्री है, और ये वाला जो ये मार्जिन है ये अटैच है, अडहियर है, तो ये अटैच्ड मार्जिन कहलाता है और ये फ्री मार्जिन है। अब जो कस्प के फ्री मार्जिन को पेपिलरी मसल से जो जोड़ता है, देखिए ये है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसे कॉर्डा टेंडन कहते हैं। अब एक एक करके देखते हैं और डिटेल ट्राइकस्पिड वाल्व के बारे में। ट्राइकस्पिड वाल्व में तीन कस्प होते हैं, कौन कैसे कैसे होते हैं कस्प, देखिए इंटीरियर होता है, पोस्टेरियर होता है, पोस्टेरियर को ही इंफीरियर कहते हैं, और दूसरा होता है सेप्टल होता है। इंटीरियर सबसे लार्जेस्ट होता है, इंफीरियर या पोस्टेरियर सबसे स्मॉलेस्ट होता है और इरेगुलर होता है, और दूसरा तीसरा होता है सेप्टल। सेप्टल के दोनों के बीच में होता है, इसमें बहुत सारे मल्टीपल मस्कुलर एलिवेशन पाए जाते हैं। मिट्रल और बाइकस्पिड वाल्व दो कस्प होते हैं, इसी कारण इसे बाइकस्पिड कहा जाता है। मिट्रल का मतलब पता है, मिट्रल को भाषा में बिशप्स कैप कहते हैं, उसी के आकार का देखने के कारण इसे मिट्रल वाल्व कहा जाता है। दो कस्प होते हैं, एक होता है इंटीरियर जो कि लार्ज होता है और दूसरा होता है पोस्टीरियर जो कि स्मॉल होता है। इंटीरियर कस्प लाइज बिटवीन द मिट्रल एंड aortic orifices, then mitral cusp are smaller and thicker than cusp of tricuspid wall. Semilunar wall, दो प्रकार के semilunar wall हमने पढ़ा, pulmonary और aortic, तो यह semilunar इसी कारण कहा जाता है क्योंकि इनके cusp semilunar shape के होते हैं। दोनों wall आपस में एक दूसरे से समान ही होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। ये क्या होते हैं वेसल्स वाल के साथ अटैच्ड होता है, इनमें कोई फाइब्रस रिंग नहीं होता। जिस प्रकार एट्रोवेंट्रिकुलर में फाइब्रस रिंग से ये जुड़े होते थे, लेकिन सेमिलुनर वाल में ऐसा कोई फाइब्रस रिंग नहीं होता। इन दोनों में ही तीन कस्प होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा तीन कस्प केवल ट्राइकस्पिड में ही नहीं होता बल्कि aortic और pulmonary semilunar valve में भी होता है। क्लिनिकल एनाटॉमी देखते हैं, द फर्स्ट हार्ट साउंड आता है क्लोजर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होता है तो पहला हार्ट साउंड आता है, और जब सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होता है तो
सेकेंड हाफ साउंड आता है। स्टेनोसिस, स्टेनोसिस एक वल्वुलर डिसीज है जिसमें वॉल्व क्या होता है नेरोइंग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो कस्प होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं तो उस ओपनिंग जो होती है वॉल्व की ओपनिंग वो नेरो हो जाती है, नेरो होने के कारण इसे स्टेनोसिस कहा जाता है। ये दो दो प्रकार के होते हैं, मिट्रल स्टेनोसिस, आर्टिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस या फिर ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। चारों वालों में ये पैथोलॉजी डेवलप हो सकती है। इनकम्पिटेंस और रिगर्जिटेशन, रिगर्जिटेशन मैंने पहले ही बताया कि ये क्या होता है, बैक ब्लड फ्लो, बैक ब्लड फ्लो को ही रिगर्जिटेशन कहते हैं। तो जब वाल्व का जो ओरिफिस है वो जरूरत से ज़्यादा डायलेट हो जाता है तो वहाँ ओपनिंग हमेशा रह जाती है। जब वेंट्रिकल का जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन होगा, सिस्टोल, जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो ब्लड क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है वेंट्रिकल से एट्रियल, एट्रियल की ओर यदि जाता है बैक फ्लो करता है उसे रिगर्जिटेशन कहते हैं। मुख्य कारण है इसका वॉल्व का डायलेट हो जाना। डिफरेंसेस है, नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे फाइब्रस स्केलेटन एंड मस्कुलेचर ऑफ द हार्ट। थैंक यू।